हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है किंगडम मोनेरा। प्रीवियस वीडियो में हमने बात इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसके फाइव किंगडम्स के बारे में जो व्हिटेकर ने दिए थे वो हमने पढ़े। वो फाइव किंगडम्स में जो पहला किंगडम है वो मोनेरा, और ये भी हम जान चुके हैं कि मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है। तो मोनेरा जो किंगडम है उसमें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स है, नॉट यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स होंगे तो उनको किसमें रखा है, उनको प्रोटिस्टा में रखा है, जबकि मोनेरा में प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मोनेरा किंगडम्स में है, और मोस्टली इसमें क्या है, इसमें बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज, ब्लू ग्रीन एल्गीज एंड बैक्टीरिया, ये सभी रखे गए हैं मोनेरा में, ये प्रोकैरियोट्स हैं। अब इसकी जो विशेषताएं होगी बैक्टीरिया की, जो प्रोकैरियोट्स वाली वो सारी की सारी होगी। और बैक्टीरिया की बात करते हैं कि क्या है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जर्म्स हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर, सभी जगह। ये एक्सट्रीम कंडीशन से लेके इवन ह्यूमन गट में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में, फूड में, एयर में, हर जगह, एवरीवेयर बैक्टीरिया प्रेजेंस है। ये बहुत ही वास्ट वैरायटी होती है बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया क्या विशेषता है इसकी, बैक्टीरिया की, तो यहां हम देख लेते हैं ये जो विशेषता है, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है सेम उसी तरह की जो आप पहले पढ़ भी चुके हो, वापस रिकॉल कर लीजिए इसको, कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो कैसे होगी, वो रिजिड सेल वॉल होगी, रिजिड सेल वॉल खुरदरी, और वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रिजिड सेल वॉल, ये बैक्टीरिया का। दूसरा राइबोसोम्स इसमें 17S का होगा, 17S राइबोसोम होगा। डीएनए नेक, नेक में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो पता ही है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो फिर डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है और वो नेक्ड होता है, नेक लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनल्स है वो इस बैक्टीरिया में, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, सच इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गॉल्जी बॉडीज, है ना, ये सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो बैक्टीरिया में नहीं होंगे। रिप्रोडक्शन वो कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और समटाइम्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है, वो स्पेशल टाइप का होता है जिसमें वो डीएनए ट्रांसफर करते हैं, वो प्रिमिटिव प्रकार का है, और मोस्टली असेक्सुअली होता है जिसमें बाइनरी फिजन और बडिंग, इन दो प्रकार से उसमें रिप्रोडक्शन होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स हैं, जो उसके अंग है, वो क्या कहलाएंगे, वो फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया में लगा हुआ, तो फ्लैजिला की सहायता से वो तैरकर एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। दूसरा इसमें जो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस किस टाइप का होगा, तो न्यूट्रिशन डिफरेंट मेथड है इसके, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, पैरासाइटिक भी होता है, हेटरोट्रॉफिक भी होता है, और सेप्रोफाइटिक भी होता है, अलग अलग टाइप से इसका न्यूट्रिशन होता है। मोस्टली ये हेटरोट्रॉफिक ज्यादा होता है, हेटरोट्रॉफिक में इसकी बहुत ही वास्ट वैरायटी है, ऑटोट्रॉफिक में दो होंगे तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होगा और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये विशेषताएं हैं बैक्टीरिया की, और ये विशेषता है मोनेरा किंगडम में पाए जाने वाले जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के टाइप की। बैक्टीरिया को मेनली फोर कैटेगरीज में बांटा गया है, तो फोर कैटेगरीज में जो बांटा बैक्टीरिया, कॉकस, कॉकस बैक्टीरिया जो स्फेरिकल होते हैं, गोल आकार के होते हैं, उसको कॉकस बैक्टीरिया कहते हैं, और प्लूरल में इसको कॉकी भी बुलाते हैं, और बैसिलस, सेकंड बैसिलस, ये रोड शेप्ड होते हैं, रोड के आकार, या फिर विदाउट फ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला नहीं भी हो सकते हैं,
रोड के आकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये होते हैं बैसिलस, है ना, और प्लूरल में इसको बैसिली बोल कहते हैं। और विब्रियम, विब्रियम ये कोमा सेप्ट होते हैं या फिर किडनी के आकार के, किडनी के आकार के या कोमा सेप्ट ये होते हैं जिसके वन एंड पे फ्लैजिला होता है, तो ये विब्रियो कहलाते हैं विब्रियम। और फॉर स्पिरुलम, स्पिरुलम ये स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल होते हैं जो कोइल होते हैं और इसके एक सिरे पे वन एंड पे भी फ्लैजिला हो सकता है या फिर बोथ एंड दोनों सिरों पे फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है। तो मेनली बैक्टीरिया को इन फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया को टू कैटेगरीज में बांटा गया है, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया ये प्रिमिटिव है और यू बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जिसमें आते हैं जो ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो सत्य बैक्टीरिया जो वास्तव में बैक्टीरिया है वो इसमें आते हैं, यू बैक्टीरिया में आते हैं, और जो प्रिमिटिव बैक्टीरियाज है वो आर्किबैक्टीरियाज में इस ग्रुप में डाला गया, तो टू ग्रुप्स में इसको बांटा गया है। आर्किबैक्टीरियाज के बारे में बात कर देते हैं, विशेषताएं क्या क्या होता है, तो आर्किबैक्टीरियाज है ये वो बैक्टीरिया है जो वेरी बहुत ही कठिन परिस्थिति में, जो वेरी हार्श हैबिटेट्स वहां पे वो रहते हैं, सच इज बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा, है ना, जहां पे लिविंग कंडीशन नॉर्मली नहीं होती है वहां पर ये आर्किबैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे सच इज एक्सट्रीमली साल्टी, बहुत ज्यादा जब साल्टी एरिया होते हैं वहां ये पाए जाते हैं, इनको कहते हैं हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स साल्टी एरियाज में एक्सट्रीमली साल्टी वहां हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग जहां पे गर्म जो स्प्रिंग्स होते हैं वहां पे ये गर्म पानी में ये पाए जाते हैं, इनको कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्सी एरिया जहां दलदली एरिया होते हैं वो मार्सी एरिया, वहां पर इनको कहते हैं मेथोजेंस, मेथेन गैस बनाते हैं ये मेथोजेंस, तो इसको कहते हैं मेथोजेंस। तो ये एग्जांपल है आपके सामने, तो आर्किबैक्टीरिया मोस्टली वेरी हार्श हैबिटेट्स, वैसे परिस्थितियां कड़ी परिस्थितियों में पाए जाते हैं, और इनकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर्स होता है वो डिफरेंट होता है दूसरे से बैक्टीरिया से, इसका स्ट्रक्चर सेल वॉल्स डिफरेंट होता है, और इसी डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स के कारण ये इन परिस्थितियों में रह पाते हैं। दूसरा जो ये मेथोजेंस है, ये मेथोजेंस क्या और कौन सी जगह पाए जाते हैं, तो इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट्स, तो रूमिनेंट्स वो एनिमल्स हैं आप जानते हो काउस बफेलो, उनको रूमिनेंट्स कहते हैं जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले जो एनिमल्स हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं, और उनकी गट्स में ये मेथनोजेंस पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, जब प्रोडक्शन ऑफ मेथेन गैस, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है जब इनके द्वारा, इनके जो टंस है उनको जब हम बायोगैस की यूज देते हैं, तो बायोगैस इसी मेथनोजेंस के कारण ही बनती है, इन्हीं बैक्टीरिया के कारण ही मेथेन गैस प्रोड्यूस होती है। दूसरा जो ग्रुप है यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया कहलाता है, सत्य बैक्टीरिया है, ज्यादातर वास्तव जो ज्यादा बैक्टीरिया वो उसी ग्रुप में आते हैं, और इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर्स रिजिड सेल वॉल होती है, और जब ये मोटाइल होते हैं तो इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिलम, फ्लैजिलम की सहायता से ये मूवमेंट करते हैं, और इन पर पेलीज भी पाए जाते हैं, काफी जो बैक्टीरिया हैं पेलीज, और पेलीज जो आउटग्रोथ होती है जो सेल सरफेस के ऊपर पाई जाती है सेल के ऊपर, और पेलीज का कार्य ये है कि जब उनके बीच में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब ये डीएनए ट्रांसफर करते हैं पेलीज की सहायता से, या फिर जो बैक्टीरिया किसी होस्ट के ऊपर जाके बैठता है तो होस्ट से अटैच करने में ये पेली यूजफुल होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया को दो और उनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर्स के आधार पर भी बांटा गया है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये दो प्रकार में इसे भी बांटा है। तो ये जो आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया ग्रुप है, इसके अलावा अगला ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए लाइक ए प्लांट, प्लांट्स के जैसे इनमें भी क्लोरोफिल होता है,
और इसी की सहायता से ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, देन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ इन्हें कहते हैं। ये यूनिसेल्यूलर होते हैं और कॉलोनियल्स भी होते हैं। कॉलोनियल्स मतलब एक ग्रुप में, कॉलोनीज के रूप में भी पाए जाते हैं, सम सेल्स ग्रुपिंग करके, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस एक तंतु के रूप में भी ये हो सकते हैं। ये जो सेल्स हैं साइनोबैक्टीरिया, ये फ्रेश वाटर मेरी यानी साफ पानी में या फिर समुद्री पानी में ये पाए जा सकते हैं। मोस्टली ये जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, एक्वाटिक होता है, जलीय होते हैं, और सम आर टेरेस्ट्रियल और कुछ जमीन पर भी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। जब ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, तब इनके ऊपर एक आवरण होता है, सीथ, जिसको जो जेलेटिनस होती है, जेलेटिन की बनी होती है, सीथ उसके ऊपर घिरी हुई होती है कॉलोनी के ऊपर। और ऑफन प्राय ये क्या करते हैं, ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स भी बनाते हैं। ब्लूम्स करते हैं पॉल्यूटेड वाटर में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन को ये यूज लेते हैं, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, इससे ब्लूम्स बन जाता है। और ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, मोस्टली कुछ इसमें से, सारे के सारे नहीं, कुछ इसमें से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, ये फिक्सेशन नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा भी होगा, उसमें क्या होता है, उनमें कुछ बैक्टीरिया में कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है जो जिनको कहते हैं हेटरोसिस्ट। इस हेटरोसिस्ट सेल की सहायता से ये क्या करते हैं, जो वातावरण की नाइट्रोजन है उनको किस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके उनको फिक्स करते हैं। और ऐसे कुछ एग्जांपल हैं इस बैक्टीरिया के, नॉस्टॉक एंड एनाबिला। तो ये था साइनोबैक्टीरिया और इसके कुछ गुण। बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक जो केमिकल्स को यूज लेते हुए अपनी एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, है ना, अभी जो पढ़ा वो फोटोसिंथेटिक था, जो क्या कहते हैं लाइट्स को यूज लेते हैं, क्लोरोफिल होता है उसमें, है ना, सूर्य के प्रकाश में वो करते हैं। अब ये कीमोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स उनको यूज लेते हैं और उनसे अपना एटीपी जनरेशन करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को एंड अमोनिया, ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनका ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करके ये अपने लिए एटीपी प्रोडक्शन करते हैं और एनर्जी जो रिलीज होती है उससे एटीपी के फॉर्म में उनमें स्टोर रहती है। तो ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और इनका एक और है, क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ये इन्हें यूज देते हैं नाइट्रेट्स को, अमोनिया को, तो इससे क्या होता है ये जो कंपाउंड्स हैं वो दूसरे जो तत्व हैं उसमें बदल जाते हैं और उनकी रिसाइकलिंग हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग हो जाती है ना, फास्फोरस की, सल्फर की और आयरन की। इस प्रकार से कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, और बाद में हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। अभी तो पढ़ा वो तो था ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में भी दो प्रकार से हमने देखा था, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। इसके अलावा बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो प्रकार से होते हैं, कुछ हेल्पफुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। हेटरोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों से अपना अपनी एनर्जी या अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं, तो ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो ये दही बनाने में हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये मिल्क में रहते हैं और मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में। दूसरा एंटीबायोटिक बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स इनसे बनती है। और फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को भी ये फिक्सेशन करते हैं, और क्योंकि ये कहां पाए जाते हैं, लेग्यूम रूट्स में, लेग्यूम रूट्स यानी लेग्यूम जो फसलें होती है, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, उनकी जड़ों की गांठों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वहां पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं।
इसके अलावा इनका जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो हार्मफुल इसलिए है कि वो क्या करते हैं, इनको पैथोजेंस बोलते हैं, ये रोग उत्पन्न करते हैं, डिजीज कॉजिंग डिजीज उत्पन्न करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, क्रॉप्स में, खूब सारी जो डिजीज होती है वो भी इन हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के कारण होती है। कुछ डिजीज के नाम है जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब कुछ डिजीज के एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरिया है पोषण के आधार पे, न्यूट्रिएंट्स के आधार पे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक में बांटा गया था। ऑटोट्रॉफिक्स में फोटोसिंथेटिक थे तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है वो साइनोबैक्टीरिया है। इसके अलावा जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो दूसरों पे रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोड्यूस वो कैसे करते हैं, तो मेनली जो पहले बता दिया कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाइनरी फिशन द्विखंडित होते हैं, एक से दो, दो से चार, इस तरीके से वो गुणन करते हैं। तो ये मेनली बाय फिशन, इससे ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है उनके रिप्रोडक्शन के लिए, तब वो स्पोर्स भी जनरेट करते हैं। तो वो स्पोर्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, और कुछ सम परिस्थिति में, कुछ परिस्थिति में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कैसे, डीएनए ट्रांसफर की सहायता से, यानी जो पीलीज होते हैं पीलीज की सहायता से वो क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ये एक प्रिमिटिव प्रकार का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो ये इसके रिप्रोडक्शन के मेथड थे, बाइनरी फिशन से करते हैं, स्पोर्स से करते हैं, और सम केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया करते हैं। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, ये क्या है, ये भी बैक्टीरिया में रखा गया है। और माइक्रो, अब जैसे आप जानते हो कि जो बैक्टीरिया है वो उसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल होने के कारण ही पहले शुरू में इसको प्लांट्स कैटेगरी में रखा गया था, उसके बाद इसको मोनेरा में रखा है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, इसलिए तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, कंप्लीटली लैक इन सेल वॉल की पूर्णतः अनुपस्थिति है ना। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, सबसे छोटे जो लिविंग सेल्स है वो ये माइकोप्लाज्मा होते हैं, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये माइक्रोप्लाज्मा रह पाते हैं। और ज्यादातर ये माइक्रोप्लाज्मा कैसे होते हैं, मेनी आर पैथोजेंस, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स में ये, ह्यूमंस, इनमें ये पैथोजेंस मतलब रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, और मेनली ये मोनेरा किंगडम है, और मोनेरा किंगडम्स में मेनली बैक्टीरिया होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं प्रोटिस्टा के बारे में बताऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।